So I know that if you are watch this, अगर आपने ये वीडियो रट्टा मारने से थियोरी याद नहीं रहेगी। अगर आपने ये वीडियो एंड तक वॉच किया है तो मैं ये ऐसे बोल सकता हूँ कि आप इसी साल नीट को फोड़ के आए हैं और आपका कॉलेज पीक। आज हम जानेंगे मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। इंडिया का बस काम था एग्जाम कंडक्ट करना और रिजल्ट डिक्लेयर करना, और अभी बारी आएगी एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज की। उनका काम होता है अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज। के बाद आपको फिजिकली कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा फॉर फर्दर एडमिशन प्रोसेस। खत्म। ऑल इंडिया काउंसलिंग लेती है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। इसके बाद बारी आती है स्टेट काउंसलिंग की, जो रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज कंडक्ट करती है, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की उनकी ओन काउंसलिंग प्रोसेस होती है। समझ रहे हो ना? सो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी कंडक्ट करती है एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग, और आयुष मिनिस्ट्री कंडक्ट करती है बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस की काउंसलिंग। ये है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का काउंसलिंग होम पेज। रिजल्ट के बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के काउंसलिंग राउंड शुरू हो जाएंगे तो ये साइट फिर से अपडेट हो जाएगी। काउंसलिंग बाय मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ऑफ इंडिया। सो इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के 15% कोटा सीट्स फिलअप किए जाएंगे, और एम्स, जिपमर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सभी सीट्स एमसीसी फिल करेगा। ये है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का ऑफिशियल साइट। सो आपको यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आफ्टर योर नीट रिजल्ट। और ये है सबसे इम्पोर्टेंट, काउंसलिंग बाय स्टेट अथॉरिटीज। इसके लिए आपको उस रिस्पेक्टिव स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, उस स्टेट के आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो स्टेट काउंसलिंग में 85% ऑफ स्टेट कोटा के पूरे सीट्स भरे जाते हैं, और बाकी के जो स्टेट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके सभी बचे हुए सीट्स भी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज ही अलॉट करती हैं। यह महाराष्ट्र मेडिकल स्टेट काउंसलिंग की ऑफिशियल साइट। सो नीट रिजल्ट के बाद इस साइट पे आप कंटिन्यूअसली चेक करते रहिए। कभी भी यहाँ पे 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। That is Medical Counseling Authority of Rajasthan State, और ये है गुजरात स्टेट का स्टेट काउंसिलिंग अथॉरिटीज की ऑफिशियल साइट। इन सभी साइट की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई। ये सिंपली काउंसलिंग प्रोसेस अगर 4 स्टेप में बोली गई तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, जिसमें आपको फीस पे करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद कॉलेज की चॉइस फिलिंग, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, आपको सीट्स अलॉट किए जाएंगे, फिर आपको उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, और इससे आपकी काउंसलिंग प्रोसेस डन हो जाएगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उनका आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। वो क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, एग्जाम्पल आधार कार्ड, पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल होंगे, नीट 2021 का एडमिट कार्ड और नीट 2021 का रिजल्ट, और सिंपली हम बोल सकते हैं ऑल इंडिया रैंक सर्टिफिकेट। ऑल ओवर इंडिया का जो एमसीसी काउंसलिंग कंडक्ट करती है उसका जो रिजर्वेशन है वो एज फॉलोज है। के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, OBC NCL के लिए 27%, जनरल EWS के लिए 10%। थैंक यू फ्रेंड्स, ये रहा एकदम शॉर्ट में काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन। डोंट वरी फ्रेंड्स, यू विल गेट द बेस्ट कॉलेज एंड योर ड्रीम कॉलेज। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू।